अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आप थंबनेल में देख लिए होंगे, आज है हैदराबाद में कंपटीशन जो कि एग्जैक्टली मेरे जिम के ऑपोजिट में है, ख्वाजा मेंशन में। तो ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करा रहे एक मशहूर बॉडी बिल्डर हैदराबाद के, जो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग से मशहूर है और शेरू क्लासिक में भी सेकेंड प्लेस लेके आए। बहुत ही बड़ी बात है, तेलंगाना में शायद ही कोई लेके आए शेरू क्लासिक से मेडल। तो उनका नाम है मुबीन शाह, तो मुबीन शाह उनके नाम से कंपटीशन करा रहे हैं, मुबीन शाह चैंपियनशिप। तो आके देखेंगे, और दूसरे एक्टिविटीज़ भी है, चल के देखेंगे अंदर क्या चल रहा। चलिए यहाँ पे सब फिटनेस बूस्टर की तरफ से थोड़े गिव अवेज दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो आप, सामने कोई चीज नहीं गिरेगी, पीछे गिरेगी, थोड़ा हटके देना चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अलावा यहाँ पे दूसरे भी कॉम्पिटिशन्स हैं जो उमर भाई ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इनका फिटनेस बूस्टर के नाम से बहुत अच्छी सप्लीमेंट स्टोर है। तो भाई कुछ बताइए आप, मतलब क्या कॉम्पिटिशन्स है, मतलब इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के अलावा? बॉडी बिल्डिंग के अलावा जो है बोलो बोलो हर वो चीज़, मतलब जैसा कि अभी हम लोग कराए थोड़ी देर पहले, आप लोग देखे होंगे शायद पुशअप चैलेंज, स्क्वाट, थोड़ा मिस कर दिया मैं। अब नेक्स्ट क्या है बोलो आप मेरे को। तो अभी इसमें नेक्स्ट अपने जो है एथलीट्स आने वाले हैं फिटनेस बूस्टर के जो है, एंड हैदराबाद के बहुत नामचीन बॉडी बिल्डर जिसमें से आसिफ खान है, उबैद पठान है एंड रेहान विखार, वो लोग आने वाले हैं अभी। तो कुछ देर में आने के बाद में फिर से यही चैलेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड ये जो है हम लोग सिर्फ पब्लिक के लिए कर रहे हैं, जो ऑडियंस जो देखने करने आती है, कि मतलब देखने के लिए भी शौक से आए क्योंकि कुछ फ़ायदा हो आने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई ये क्राउड को आप गिव अवे देने से जो एनर्जी लेवल्स आए, मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिशन जो हाइप होता, ये छोटे चीज़ें हैं मगर बहुत ज़रूरी है जिसको प्रेजेंट करना रहता। तो आप जैसे लोग ज़रा थोड़ा गिव अवेस करें तो एनर्जी लेवल, बच्चों को मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी जो है जुबैर भाई लोग की तरफ से मिल रही है, तो हम लोग जो है अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा सपोर्ट था नरेश सूर्या क्लासिक में भी, दानिश भाई का, उमर भाई का, एक फरिश्ते के जैसा आ गए, इतने स्पॉन्सर्स ले लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अब इंशाल्लाह जिंदगी में आगे इनके साथ ही मिलकर काम करना है, बहुत प्रोफेशनलिज्म से अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ का बताइए भाई, आपकी स्टॉल भी डली हुई है यहाँ पे। जी भाई, तो वही अब शुरुआत तो यहीं से भी नरेश से। तो प्राइजेस, प्राइजेस क्या दिए अभी फर्स्ट प्लेस? अभी जो फर्स्ट प्लेस जो था उसको 3 kg का मास गेनर दिए, प्लस टी शर्ट, शेकर, पीनट बटर एंड भाई ड्राई फ्रूट वाले भाई अखरोट की पैकेट भी दे दिए। अखरोट भी दे दिए जी, चलो अच्छा है। नेचुरल भी दे रहे, सप्लीमेंट्स भी दे रहे जी, जी। और ये जो है सिर्फ मतलब कोई ये जो लोग पार्टिसिपेट करे वो सिर्फ मतलब ऑडियंस थी जो देखने के लिए आई थी, वो लोग खुद मतलब पार्टिसिपेट करके, बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, नहीं थे बॉडी बिल्डर्स। बहुत बहुत अच्छा है भाई, चलो थोड़ी देर में शो स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे, बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह। तो हम लोग एक स्टॉल पे आ गए, एक वे प्रोटीन लॉन्च करे, बहुत ही टॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर है सुधीर बाबू। तो कई साल पहले मैं इनको ट्रेन करता था, फिर इसके मेरे बाद फिर मुबीन भाई ट्रेन करे, काफ़ी अच्छी बॉडी बनाए, तो फिटनेस फ्रीक है ये सुधीर बाबू, ज़्यादातर लोग जानते हैं इनको, महेश बाबू के भौने हैं ये, नहीं? हाँ, तो बहुत ही फेमस स्टार है। तो थोड़ा प्रोटीन चेक करेंगे इनका कैसा क्वालिटी है। ये कौन सा है भाई? चॉकलेट फ्लेवर है, आइसोलेट है ये, वे प्रोटीन, वे प्रोटीन। ओके, बहुत ही अच्छा है टेस्ट में, तो पब्लिक पहले टेस्ट देखती है भाई कैसा है, तो टेस्ट वो तो अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स बाद में देखती है। आइसोलेट पिलाओ जरा, आइसोलेट नहीं है, ओनली वे प्रोटीन है, खाली वे प्रोटीन है। तो वे प्रोटीन लॉन्च करे पहले, तो आइसोलेट लॉन्च नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, आने वाला है। तो ये है देखो भाई प्रोटीन, एक स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन है, 5.7 BCAA हैं, ग्लूटामाइन है 4.2 ग्राम्स, टेस्ट में तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्री वर्कआउट BCAA कुछ है? हाँ, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा, सेम वहाँ पे हो रहा, तिरुपति वेलनेस में हो रहा। ओके, तो अब इसको खरीदना है तो ऑनलाइन भी जाना है? स्टोर में मिल जाता है। कौन से स्टोर पे? 7 स्टोर अवेलेबल है। कौन से? एक हेल्थ मार्ट में है। ओके, वो एक फिटिस में है। ओके, एंड फिट एंड फ्यूरी में है। हां, ओके, राकेश डिस्ट्रीब्यूटर में। ओके, अच्छा, वाइजाग में, विजयवाड़ा में भी है। ओके भाई, तो एक बार कैसा भी ट्राई करिए प्रोटीन। ओके, थैंक यू। की दुकान है बेगम बाजार में डायमंड कैप्स के नाम से, तो आपको पूरे एक्सेसरीज मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिम के ग्लव्स हो गए,
और आपको शॉर्ट्स हो गए, बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स है, देखो आप नाइकी जॉर्डन। मैं तो अंडर आर्मर पहनता हूँ, अंडर आर्मर नहीं है, अरे माशाल्लाह अंडर आर्मर भी है, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है अंडर आर्मर। कैप्स भी है, कैप्स है, परफ्यूम्स है, तो फिटनेस के अलावा भी आपके पास दूसरे चीज़ें भी है, जैसे कि सॉक्स हो गया, नहीं तो आप ये मेडिकल में स्ट्रैप्स है, अगर आपको रिस्ट में अगर ज़्यादा पेन है, हैवी वेट मारते हो तो स्ट्रैप्स ले सकते। पूरे एसेसरीज अवेलेबल है, मेंस फिजिक के शॉर्ट्स भी है बोल रहे भाई, तो भाई ज़रा आपका एड्रेस बोल दो खाली बस। निगम बाज़ार अजीज़ प्लाजा के पास है, डायमंड कैप्स बोलते हैं। आपका फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर 9642460652। ये मोहम्मद, मैं और एक स्टॉल पे आ गया, इसका नाम है फिटनेस सोर्स। तो आप देख सकते हैं ये पूरे मशीन्स, वो ये मोटर जो फिर रहे, ये पूरे ट्रेडमिल्स के हैं। तो स्पेशली जो जिम वाले वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को कभी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती जिम में सर्विस की और आप लोग परेशान हो जाते, सर्विस ख़त्म हो जाती, टाइम पे आते नहीं, तो भाई की स्टोर कहाँ पे है भाई आपकी दुकान? सिकंदराबाद एमजी रोड। सिकंदराबाद पे एमजी रोड पे है, तो आप कौन से सर्विसेज देते हैं? मतलब फिटनेस इक्विपमेंट का जो भी रहेगा अपने पास सर्विस मिलता है, स्पेशल फॉर ट्रेडमिल के लिए हमारे पास हर स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहेगा। ओके। जो आपको मदरबोर्ड्स ये पूरे क्या इम्पोर्टेड है, जिसका मतलब कंपनी बंद हो गई तो अपन उसको अल्ट्रेशन करते, स्क्रैप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके ओके। कोई भी ब्रांड रन दो आप बनाते हैं? हाँ, कोई भी ब्रांड, वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी अपने पास सर्विस अवेलेबल है। ओके। और दूसरी चीज़ है स्पेयर पार्ट भी सब मिलेगा, स्ट्रेंथ का भी, बिल्कुल पूरा इंपोर्टेड आइटम है अपने पास, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का इंपोर्टेड है, फर्स्ट क्वालिटी का। जैसा ये पिंस हो गए, ये बहुत लोग पूछते हैं, मतलब पिंस खराब हो जाते हैं जिम में, तो ये पिन मैग्नेट वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्वालिटी में, तो पूरी सर्विस आपके पास अवेलेबल है। तो आप ईयरली पैकेज लेते हैं या मतलब सर्विस के ऊपर रहता है? अपने पास सर्विस के ऊपर रहता है, हमारा जो है ना स्टोर है, स्पेयर पार्ट वहाँ पर मिलता है। ओके। और सर्विस चाहिए तो अपने को लाकर आपको देंगे तो बना के देते हैं, यानी तो विजिट भी करो बोलते करते हैं ऐसे। तो आपका कुछ एड्रेस बोल दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए। सिकंदराबाद एमजी रोड है। ओके। और अपोजिट टू रेमंड्स, कौन सा बाजार है वो? आनंद बाजार। ओके। आनंद बाजार ऑपोजिट HM इसाक कॉम्प्लेक्स है। ओके। फोन नंबर 8106922419। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गाइस प्लीज गेट इन माय वे अप्लाउज। भाई भाई क्या बोलते हैं भाई, ऐसी कैटेगरी है, बहुत टफ कैटेगरी दिख रही है, बहुत ज़्यादा टफ है भाई। बोलते हैं ना, मेरे को मेरे छोटे में भी उतरे हुए हैं, आसिम 69 का नंबर, टैग नंबर आप देख सकते हैं। सिकंदर भाई के भाई भी है यहाँ पे आसिम, जिसका ट्रंक नंबर है 16। पूरे टफ है भाई, पूरे टफ है, पूरे और सब में अच्छी कंडीशनिंग में हरीश, हरीश मेरे को वो सब बहुत अच्छा दिख रहा है, और तहा, ये दोनों के बीच में कंपटीशन है। देखो आपका तहा की भी कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, तहा और हरीश में से कोई एक विनर होने वाला है, बाकी के लोग भी अच्छे हैं नो डाउट। Mr. E.S., that's the part you always show.
21 जो है क्लियर विनर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है मुबीन शाह क्लासिक कंपटीशन, जो कि मुबीन भाई जो ऑरेंज कलर की शर्ट पे है वो ऑर्गेनाइज कराए, बहुत ही मेहनत करे कंपटीशन में, और ये भी एक सीनियर बॉडी बिल्डर हैं क्लासिक फिजिक के। तो इनके कंपटीशन में छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गया समझो, क्योंकि कॉम्पिटिशन पहली बार कराए। तो ये कैटेगरी में 50-55 kg की कैटेगरी थी, तो जो लोग ये एलिगेशन लगा रहे थे कि भाई इसमें जो लड़के खेल रहे हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इमीडिएट, मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ, तो इमीडिएट उसी वक्त मैं कंपटीशन रुका दिया और वो लड़के का वेट चेक किया। उसका वेट कुछ 10 किलो बढ़ के था, तो हम लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए वो लड़के को। मुबीन भाई ख़ुद आके मेरे को बोले कि भाई 5 किलो से बढ़ के अगर उसका वेट है, लोडिंग के बाद 5 किलो के ज़्यादा वेट है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो मैं बहुत ही अच्छा दिखा मेरे को मुबीन भाई को, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके डिसीजन लिए, और शो रुक गया था थोड़ी देर के लिए, और ये लड़का जो है 28 ट्रंक नंबर, उसको जो हक की प्लेस मिलना था उसको वो हक दिलाने में मुबीन भाई का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी था वहाँ पे, मैं भी बोला कि भाई ये बहुत गलत है, और मैं तमाम बॉडी बिल्डरों से बोलना चाह रहा हूँ, भाई चोरी से आप लोग वेट मत दो। आप मेंस फिजिक में हो गया, हाइट छुपाते या ऐसा, चोरी से कभी भी आप किसी का हक मत मारो भाई। एक बार मारेंगे, दो बार मारेंगे, मगर ये गेम में आप ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकते। आप जहाँ पे जान पहचान थे वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते वेट का, हाइट का, मगर कल के दिन आप जाके अच्छे कॉम्पिटिशन में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, जैसा कि नरेश सूर्या क्लासिक हो गया, हम लोग 50 ग्राम भी अगर बढ़ के हैं तो हम लोग कैटेगरी से आउट कर देते, अगर वो मेरा भाई क्यों ना हो। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग बहुत आगे आए, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ मुबीन भाई के, बहुत ही अच्छा डिसीजन था, और शो में कुछ कंट्रोवर्सी होने से रुक गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू। तो दोस्तों ये है 55-60 kg कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग। तो कंपटीशन बहुत ही अच्छा स्मूथ चल रहा था,
सडनली ये कैटेगरी के जो सेकंड प्लेस है जिसका ट्रंक नंबर है 37, उनको ऑब्जेक्शन है कि मुझे फर्स्ट प्लेस मिलना चाहिए था। तो ईसा मिस्री साहब जो कि बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर हैं, हैदराबाद से इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा वो एथलीट को। और नरेश भाई भी वहाँ पे मौजूद थे, तो नरेश भाई बहुत ही कोशिश करे कि वो एथलीट को कन्विंस करें कि आपकी जो प्लेसिंग है वो बराबर है, मगर वो एथलीट सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। पीछे से पब्लिक पुकार रही कि भाई लोअर कंपेयर करो, अपर कंपेयर करो, पब्लिक कुछ नॉलेज नहीं रहती बॉडी बिल्डिंग के बारे में, आके लोग जजमेंट करने बैठ जाते हर कॉम्पिटिशन में, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर ईसा मिस्री साहब बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या कहा आप लोग सुनिए। तो दोस्तों और एक गुड न्यूज़ है हमारे तेलंगाना के एथलीट्स के लिए, एक और एक कंपटीशन होने वाला है 24th और 25th ऑफ फरवरी। ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं शिवा भाई जो कि मिस्टर इंडिया के नाम से मशहूर है, और राहुल भाई जो कि मिस्टर वर्ल्ड के नाम से मशहूर है। तो भाई ये कॉम्पिटिशन मिस मत करो, ये बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस एथलीट्स है, इनका शो बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़
participate this competition. Outro.
तो फाइनली शो ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छा शो था, फाइनल जजमेंट भी एक्सीलेंट था। तो ये शो के ऑर्गेनाइज़र हमारे भाई, हमारे कोच बोल सकते हैं आप, एक ज़माने से मुलाकात है मुबीन भाई। तो मुबीन भाई आपको बोलेंगे ये ज़रा शो के बारे में। आपको सलाम। ये कॉम्पिटिशन जो है ना बहुत कम दिनों में प्लान किया गया था। एक्चुअली मेरे बड़े भाई इसको प्लान किए और एक कुछ ऐसा ही प्लान हो गया कि कम दिनों में हम इसको डिलीवर कर सके। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा इंटेंशन था एक हेल्थ एक्सपो ऑर्गेनाइज करने का, बट लेटर ऑन मेरे को ख्याल आया रिसेंटली सिल्वर मेडलिस्ट का इन्होंने चैम्पियनशिप लिया है, तो मैंने सोचा एक बार इनके नाम से एक चैम्पियनशिप रखेंगे इंशाल्लाह। ताकि इसमें एक चीज़ क्या है, हमारे जो भी एथलीट्स है एक तरीके से एक मैसेज भी जा सके और उन लोगों को एक तरीके से अच्छा पुशअप मिल सके। अभी जो बॉडी बिल्डिंग के लाइन में जो जितना जो क्रेज़ हो रहा है, हमारे जो यूथ जो जनरेशन जो हो रहा है दे वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। सो आज के जनरेशन में क्या है, बहुत सारा यूथ भूखा, अदर अदर बैड हैबिट्स दे हैव। सो इन लोगों को नेगलेक्ट करके इफ़ वी ब्रिंग देम इनटू हेल्दी हैबिट्स एंड गुड हेड फिटनेस की लाइफ में लेंगे, और उन लोगों को एक तरीके से एजुकेशन भी एक हमको गाइड करना है। आई मीन बहुत सारे एथलीट्स दे आर लैकिंग इन एजुकेशन। आप जैसा कि जुबैर भाई देखो, ही इज़ एजुकेटेड, ही स्मार्ट, ही इज़ वेल डन, ही इज़ एक मुकाम पे आए। इन्हों भी एजुकेटेड है, एक मुकाम पे आए। अब जाने वाले एथलीट्स क्या है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है। उन लोग एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने से उन लोग स्मार्ट रहने से उनको बड़े चैम्पियनशिप बोलो, एक जॉब्स बोलो, एक आराम से लेंगे। सो दे शुड फोकस ऑन एजुकेशन। एक चीज़ ये एक मेरा मैसेज था आपके सामने मैंने रखा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। हम चाहेंगे कि ऐसा कंपटीशन हर साल हो इंशाल्लाह। आप जैसे लोग आगे बढ़े तो बॉडी बिल्डिंग को एक नेक्स्ट लेवल, लोगों को कैश प्राइज मिलता, मतलब बॉडी बिल्डर्स एंकरेज होते हैं और सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं। तो माशाल्लाह बहुत कम टाइम में आप अरेंजमेंट्स करें। कॉम्पिटिशन हम भी कराते रहते, इतना आसान नहीं रहता कराना। माशाल्लाह अरेंजमेंट्स हुए बहुत ही अच्छे थे, जजमेंट पैनल बहुत अच्छा था, जजिंग पैनल। और मुबीन भाई तो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं और हर कोई पहचानते हैं मुबीन भाई। सारी एक वर्ड पे इतनी मार्केटिंग हो गई। इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस एवरी ईयर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हम एक टीम बना के इंशाल्लाह काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो सपोर्ट है वो लोग नरेश सूर्या टीम की तरफ से है। आधी रात को भाई के वास्ते कुछ भी कर देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू।